हाय, दिस इज रुचिशा। वेलकम टू द किचन निंजा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सो दैट आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आए। थैंक यू। आज हम देखेंगे ये क्विक और इजी पार्टी स्नैकर्स कैसे बनाते हैं। आज हम यहाँ पे बहुत ही क्विक और इजी स्टार्टर बना रहे हैं जिसे आप शाम के टाइम पे चाय के साथ खा सकते हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल में 3 कच्चे केले जिसे मैंने अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है, उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 कप जितना ग्रीन पीस उसे भी अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। कुछ बेसिक मसाले हम ऐड करेंगे यहाँ पे। 1 टेबल स्पून जितना रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जितना गरम मसाला, 1/3 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून चाट मसाला, ग्रीन चिलीज। अब आप यहाँ पे ग्रीन चिलीज की जगह पे रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो। 1 टेबल स्पून लेमन जूस, लेमन जूस की जगह पे आप ड्राई अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। फ्रेश हरा धनिया, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही क्विक और सिंपल रेसिपी है। आप इसकी प्रिपरेशन पहले भी करके रख सकते हो और जब आपको खाना हो तब इसे आपको सिर्फ बना के फ्राई करना है। स्टफिंग हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, इसे हम साइड में रखेंगे और एक डो रेडी करेंगे हम। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप जितना मैदा लिया है। अगर आप मैदा नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं, आप ये डो गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। 1/2 टेबल स्पून अजवाइन ऐड करेंगे इसमें, 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट और स्मूथ डो बांध देंगे। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा सो दैट आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आए। डो बनके हमारा रेडी हो चुका है। अब इसकी हम एक रोटी बेलेंगे। इस डो को आपको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने दे सकते हो, अदरवाइज आप इसे इंस्टेंट भी बना सकते हो। एक छोटा सा पोर्शन लिया है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा सूखा मैदा मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल किया है। अब इसकी हम रोटी बेल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक रोटी बेल ली है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, हमें ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। इसी तरह से और एक रोटी हम बेल लेंगे। दोनों भी रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। अब जो पहली रोटी है उस पर हम जो स्टफिंग हमने सबसे पहले बनाया था वो अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। स्टफिंग को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब जो दूसरी रोटी हमने बनाई थी वो इस पर हम ऐड करेंगे और अच्छे से इसे हम कवर कर लेंगे। अच्छे से इसे मैंने सील कर लिया है दोनों भी साइड से। अब इसके हम पीसेस कट करेंगे। अब मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे एक फोल्ड करने की ट्रिक मैं आपको आज बताने वाली हूँ। अब इसे हम दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। और जो साइड है हमारा उसे भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे एक फ्लावर का शेप दे देंगे। आपको देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही इजी है। मैं आपको और एक करके बता देती हूँ। इस तरह से पहले हमें इसे थोड़ा सा हल्का सा फ्लैटन करना है, फिर ये दो जो एजेस है उसे इस तरह से हमें फोल्ड करके प्रेस करना है। आप देख सकते हो इस तरह से इसे हमें प्रेस करना है। जो बाकी के दो एजेस है उसे भी हमें एक एक करके फोल्ड करना है। और एक फ्लावर का अच्छा सा शेप दे देना। वैसे इसे ज़रूरी नहीं है कोई शेप देना, आप इसे इसी तरह से भी डायरेक्टली फ्राई भी कर सकते हो।
आप इसे समोसा का भी शेप दे सकते हो। सारे मिनी फ्लावर्स मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसे हमें फ्राई करना है, लेकिन इसे फ्राई करने से पहले हमें इसे 30 मिनट्स तक फ्रिज में रखना है, उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। फ्रिज में रखने से क्या होगा, जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। सो फ्राई करने से पहले इसे हम 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं, इसे मैंने फ्रिज से निकाल दिया है और एक साइड मैंने तेल भी गर्म करने रख दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसे हम फ्राई करेंगे। जब तक ये हमारे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसे हम फ्राई करेंगे अच्छे से। अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम ले लेंगे। मिनी फ्लावर समोसा हमारा रेडी है टू सर्व।